पथरिया विधानसभा के अंतर्गत आने वाले चकेरी मेले में संक्रांति के अवसर पर हजारों की संख्या में लोग आकर मेले का आनंद उठाते हैं। इस बार प्रदेश की दबंग विधायक के नाम से पहचानी जाने वाली रामबाई सिंह ने इस मेले को भव्यता के साथ शुभारंभ करवाया है। यही कारण है कि यह मेला पूर्व के वर्षों की तरह न दिखकर अब अपने भव्य रूप में नजर आ रहा है। रामबाई सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी इस मेले में आमंत्रित किया था, लेकिन विदेश में होने के कारण मुख्यमंत्री यहां नहीं पहुंच सके। लेकिन विधायक रामबाई ने जब मंदिर में भगवान शंकर का अभिषेक किया तो पत्रकारों के पूछने पर क्या मांगा, तब रामबाई ने बताया कि उन्होंने प्रदेश के मुखिया कमलनाथ को पूरी उम्र भर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बने रहने की मन्नत मांगी है। वहीं रामबाई सिंह पूरे दिन इस मेले में घूमकर जहां स्वयं मेले का आनंद उठा रही है, वहीं खरीदारी करते हुए भी नजर आ रही है। विधायक जहां जंपिंग पैड पर उछलते हुए नजर आई, वहीं झूलों का आनंद लेते हुए भी विधायक के वीडियो सामने आए हैं। इसके साथ ही विधायक कई दुकानों पर जाकर जमकर खरीदारी करती हुई भी दिखाई दे रही है। मेले में दबंग विधायक ने चटनी बांटने वाली लुडिया खरीदी, बुंदेलखंड में चटनी और सिलबट्टा जिसे लुडिया कहते हैं उसे खरीदने में ज्यादा रुचि दिखाई। कुल मिलाकर कहें तो बुंदेली परंपरा को प्रदर्शित करते इस मेले में स्थानीय विधायक की मौजूदगी निश्चित ही उनके विधानसभा के लोगों के लिए नया अनुभव तो जरूर ही कहा जा सकता है। भारतीय न्यूज के लिए दमोह से इम्तियाज चिश्ती की रिपोर्ट। बहुत मजा आ रहा, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल मैं भी बच्चा बन जाऊं और दिन में सुबह से लेकर शाम तक मात्र झूला झूलूं, मेला घूमूं और ये सब इधर मतलब इसी क्षेत्र के सब बच्चे हैं इनके ही साथ झूल रहे हैं और महिलाएं बच्चे भी बहुत आ रहे हैं गांव के। हम लोग साथ में ही झूल रहे हैं सब, इधर कोई ऐसा नहीं है कि हम विधायक हैं, ये सब एक है। आज आपने शंकर जी का अभिषेक भी किया, क्या वरदान मांगा भगवान से? मैंने शंकर जी का अभिषेक किया है और वरदान मांगा है कि हमारे कमलनाथ जी सीएम बने रहें, जब तक वो इस धरती पर हैं आखिरी सांस तक हमारे कमलनाथ जी सीएम बने रहें और मैं उनके साथ बना रहूं।